अम्मी, देसी दारू के काले धंधे को बंद करने के लिए सरकार ने पूरे गुजरात में, क्या सच में कोई धंधा छोटा नहीं होता है? और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है? सच में, लेकिन जब तक उससे किसी का बुरा ना हो, समझा? ये इसने लूटा हमारा माल, किसी साइज और इतनी बड़ी छला। साल 1992 में रिलीज हुई फैमिली एंटरटेनर फिल्म बेटा का टाइटल पहले तो बड़ी बहू था, जिसे फिल्म के डायरेक्टर इंद्र कुमार ने बदल दिया और बाद में इसे बेटा रखा गया। पर इस बेटा टाइटल को बदलने का काम किया था फिल्म क्रिटिक्स ने। अब आप कहेंगे कि आखिर ये क्या मामला है? दरअसल ये तो हम जानते ही हैं कि श्रीदेवी उस जमाने में बॉलीवुड पर राज कर रही थी और उनके सामने बाकी एक्ट्रेस कहीं ना कहीं पीछे ही थी। उन्हें ऑफर भी मिला था पर उन्होंने अनिल कपूर के साथ फिर से काम करने के लिए साफ इनकार कर दिया। ऐसे में जब माधुरी दीक्षित को फिल्म में लिया गया, फिल्म रिलीज हुई, तब सबको झटका लगा और ये 440 वॉट का झटका दिया खुद माधुरी दीक्षित ने उनकी परफॉर्मेंस से। और जब क्रिटिक्स ढेर सारी खामियां निकालते रहते हैं, उन्होंने उनकी तारीफ की और कहा कि इस फिल्म का टाइटल बेटा नहीं बल्कि बेटी रखना चाहिए था, क्योंकि उन्हें माधुरी का काम बहुत ही ज्यादा पसंद आया था। वैसे माधुरी दीक्षित को इतनी जबरदस्त फिल्म करने के बाद में विमेन सेंट्रिक फिल्म में मिलने लगी थी, यानी कि एक लेडी बॉस की तरह पूरे फिल्म पर वो अपना कब्जा बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। अब माधुरी अपनी खूबसूरती और टैलेंट से तो सबके दिलो दिमाग पर कब्जा करती ही है, तो आखिर ये फिल्म क्या चीज थी? खैर दोस्तों, मैं मजाक कर रही हूँ, पर बेटा फिल्म के बाद माधुरी को अंजाम और मृत्यु दंड जैसी फिल्में मिली जिसमें पूरा फोकस लीडिंग एक्ट्रेस पर किया गया था। माधुरी की जो सास है, हमारा मतलब है कि असल वाली नहीं, फिल्म में जो उनकी सास बनी थी वो एक्ट्रेस अरुणा ईरानी भी कोई आज की खिलाड़ी नहीं है। उन्होंने 500 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है और जैसे कि बेटा फिल्म एक फैमिली एंटरटेनर फिल्म थी, उसी तरह फिल्म के सेट पर ऑफ स्क्रीन भी फैमिली जैसा माहौल था, क्योंकि इस फिल्म के डायरेक्टर इंद्र कुमार अरुणा ईरानी के भाई लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, इंद्र कुमार के साथ साथ फिरोज ईरानी और आदि ईरानी भी अरुणा ईरानी के भाई ही हैं। पर जिस तरह से हम कहते हैं कि कभी कभी हमें सामने वाली चीज भी दिखाई नहीं देती, या हम किसी और चीज पर फोकस करने के चक्कर में इतने गुम हो जाते हैं कि सामने वाली चीज भी नजर नहीं आती है, ये हम इंद्र कुमार के बारे में कह रहे हैं दोस्तों। अब जैसा कि उन्होंने वहीदा रहमान, शबाना आजमी को सास के रोल के लिए ऑफर दिया था, जो घूम फिर कर अरुणा के पास आया, वो पहले भी उनके पास आ सकता था पर ऐसा नहीं हुआ था। अब इंद्र कुमार अरुणा को ये ऑफर देना नहीं चाहते थे या फिर वो किसी और चेहरे की तलाश में थे, ये तो वही जाने, पर अरुणा ईरानी मन ही मन में यही प्रार्थना कर रही थी कि इंद्र कुमार एक बार तो उन्हें इस फिल्म का ऑफर जरूर दे। कहा जाता है कि एक्ट्रेस बिंदु, उन्हें भी इस फिल्म का ऑफर दिया गया था। अब यह एक्ट्रेस इंद्र कुमार और अरुणा ईरानी की कजिन सिस्टर है, पर वो भी मुमकिन नहीं हो पाया। पर कोई बात नहीं दोस्तों, ये रोल तो अरुणा की किस्मत में लिखा था, जो उन्हें आखिरकार मिल भी गया। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि बेटा इंद्र कुमार की आज डायरेक्टर पहली फिल्म है, पर उन्होंने पहले दिल फिल्म की शूटिंग कंप्लीट की थी जिसमें माधुरी दीक्षित और आमिर खान नजर आए थे, और इस फिल्म के सक्सेस से मिला हुआ प्रॉफिट उन्होंने बेटा की शूटिंग के लिए इस्तेमाल किया, क्योंकि उस टाइम काफी सारे फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे थे जिसकी वजह से म्यूजिक डायरेक्टर्स को भी बदला गया था। जी हाँ दोस्तों, इंद्र कुमार और अशोक इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स हैं, पर उस वक्त काफी सारे फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे थे। इस फिल्म के लिए पहले म्यूजिक डायरेक्टर्स के तौर पर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को चुना गया था, पर दोस्तों ये कितना बड़ा नाम है ये तो हम सब जानते ही हैं, पर जितना बड़ा नाम हो उतना ही बड़ा दाम भी होता है, तो वही हुआ। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की फीस उस जमाने में तगड़ी थी और इंद्र कुमार को ये फीस काफी भारी लगी, इसलिए उन्होंने म्यूजिक डायरेक्टर्स को ही रिप्लेस कर दिया और ये काम दिया आनंद और मिलिंद श्रीवास्तव के डुओ को। वैसे बता दें कि आनंद मिलिंद डुओ ने बागी, कयामत से कयामत तक, जलवा जैसी फिल्मों को म्यूजिक दिया है। इन्होंने जो गाने कंपोज किए सारे ही लाजवाब थे और इन्हें 38th फिल्मफेयर अवार्ड्स में बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर्स का नॉमिनेशन भी मिला था। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि म्यूजिक डायरेक्टर्स दिलीप सेन, समीर सेन, अमर उत्पल और नरेश शर्मा ने इस फिल्म के लिए जो गाने बनाए थे वो तो फिल्म में इस्तेमाल भी नहीं हुए थे। बता दें कि फिल्म में उन्हें थोड़ा सा भी क्रेडिट नहीं दिया गया, और हाँ, इस फिल्म की ऑडियो को टी सीरीज ने रिलीज किया था। ये सारी चीजें तो हो ही गई है, पर कुछ भी कहिए, धक धक करने लगा ये गाना सुनकर ही लोगों के दिलों में धक धक होने लगती है, और ऊपर से माधुरी दीक्षित भी टेम्परेचर बढ़ा देती है। पर इस फिल्म में उन्होंने जिस तरह से इस गाने में आग लगाई,
उसी तरह दिल तेरा आशिक जो 1993 में रिलीज हुई फिल्म है जिसमें माधुरी दीक्षित और सलमान खान की जोड़ी नजर आई थी, उसमें भी माधुरी ने अनुपम खेर के साथ एक सीक्वेंस में इस गाने पर डांस किया था। साथ ही 1995 में रिलीज हुई फिल्म जमाना दीवाना फिल्म जिसमें शाहरुख खान और रवीना टंडन की जोड़ी नजर आई थी, उसी में अनुपम खेर ने लड़की वाला गेटअप किया था और उनके साथ थे जितेंद्र कपूर जो एक साथ ही गाना गाते हुए नजर आए थे। तो कहने की बात यह है कि गाना उस जमाने में जितना दमदार था आज भी उतना ही दमदार है। और दोस्तों बता दें कि कहीं ना कहीं ये बाकी फिल्मों में इस्तेमाल होता हुआ हमें दिख ही जाता है। वैसे फिल्म के गानों के साथ यूके और पाकिस्तान का भी एक छोटा सा कनेक्शन है, पर इस बारे में हम आपको अपनी आने वाली वीडियो में बताएंगे दोस्तों। तो इसी के साथ मैं अनुष्का त्यागी लेती हूँ आप सभी से इजाजत, बने रहिए और देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज को। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। हमारी आज की राइटर है तृप्ति।